नमस्कार दोस्तों, प्रमोद सर स्टडी पर आपको आरआरबी ग्रुप डी में पूछा जा सकता है। आपको इस सूत्र पर, सूत्र इसका है, इसका सूत्र क्या है आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू इनटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के फॉर्मूला पर ये सॉल्व होगा। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। वीडियो एंड तक देखना मत भूलिएगा। अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर एक है, तो क्वेश्चन नंबर एक में क्या कह रहा है, 63+36 का होल स्क्वायर प्लस 63-36 का होल स्क्वायर बटा ये एक्स्ट्रा ये दे दिए, उसे कोई दिक्कत नहीं है। 63+36 का होल स्क्वायर प्लस 63-36 का होल स्क्वायर बटा 63 का होल स्क्वायर प्लस 36 का होल स्क्वायर, यही ना है। चलिए तो इसको ये मानेंगे, इसको भी मानेंगे, इसको भी फॉर्मूला जो कह रहा है उसके अनुसार चलेंगे। 2 × क्या होगा, 63 का होल स्क्वायर प्लस 36 का होल स्क्वायर बटा में 63 का होल स्क्वायर प्लस 36 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इस फॉर्मूला के अनुसार मैंने इसको सजाया, अरेंज किया। अब इसको इसको काट देंगे तो कितना बच जाएगा, 2 बच गया, यही है आंसर। चलिए इसको फटाफट नोट करिए या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया, फॉर्मूला ये जो है फॉर्मूला और जब लिख देते हैं समझ में आ जाते हैं। पर लिख रहे हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, है ना। तो चलिए आइए देखते हैं उसको। ये फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूला पर मैंने इसको सॉल्व किया है। दूसरा का क्वेश्चन आइए देखते हैं क्या है। दूसरा क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करते हैं, इसको ये मानेंगे, इसको भी मानेंगे, इसको ये, इसको भी। तो a का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर, है ना, ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। यानी कि a प्लस b का होल स्क्वायर प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 × a² प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। चलिए इसको ये माने, इसको भी माने हैं, इसलिए हम लिखेंगे 2 × 0.46 है ना का होल स्क्वायर प्लस 0.64 का होल स्क्वायर, है ना, और बटा में लिखेंगे नीचे वाला 0.46 का होल स्क्वायर प्लस 0.64 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इससे ये कट गया तो बच गया कितना, 2, तो यही आंसर हो गया आपका 2, ठीक है। जल्दी से नोट करिए या फिर इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए।